नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले यह मामला चीन में सामने आया, लेकिन अब इसकी जद में लगभग पूरी दुनिया है, क्या अमेरिका और क्या भारत। हालांकि इससे बचने के लाख उपाय किए जा रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी कोरोना से संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। ताजा मामला है भारत के केरल राज्य से। पहले भी केरल में 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, अब फिर से एक साथ 5 लोगों के संक्रमित पाए जाने की बात कही जा रही है। इसी के साथ देश में कुल कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ गया है और ये संख्या हो गई है 39। इस मामले में केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा है कि कोरोना वायरस के 5 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई और फिलहाल सभी संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। खबर आ रही है कि हाल ही में 3 लोग इटली से लौटे थे, जिसके कारण पठान मथिट्टा जिले में 2 और लोग वायरस की चपेट में आ गए। दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के अब तक 1,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक घातक कोरोना वायरस की चपेट में आने से दुनिया भर में 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,04,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। चीन में कोरोना वायरस 3,097 लोगों की जान ले चुका है। दूसरे नंबर पर इटली है, जहां अब तक कुल 233 लोगों की मौत हो चुकी है। इन भयावह आंकड़ों के बाद से लगभग हर जगह आम जनता से कोरोना से बचने की अपील की जा रही है और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि अगर आपको भी किसी तरह की कोई आशंका हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उनके सुझाव के अनुसार ही दवाएं लें।